पिंडी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। 1:30 बजे यहाँ से इमरान खान की रैली में जाएंगे और आवाम का समंदर होगा। मोबाइल नीचे करें भाई। ये चोर डाकू लुटेरे बेईमान जिन्होंने मुल्क पर कब्जा किया है, इससे जान छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त मादरे मिल्लत के साथ खड़ी थी जब बहुत सारे सियासी देवता यूं खान के साथ खड़े थे। आज हम इमरान खान के साथ सीना तान के चट्टान की तरह खड़े हैं और आज साबित करेंगे रैली में कि सबसे ज्यादा अवाम का समंदर जो है वो रावलपिंडी लाल हवेली से जाएगा। राशिद साहब वाले मैं इंशाल्लाह 1:30 बजे आपको रुख्सत करूंगा क्योंकि मैंने इमरान खान को रिसीव करना है हेलीकॉप्टर पे और इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान बयानियां देंगे उस पर पैरा देंगे। आज जो गुर्बत महंगाई और बेरोजगारी इन चोरों ने इस मुल्क में नाफज किया है, इनको सियासी तौर पर नेस्त तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। और ये राणा सिन्हा का जो धमकियां दे रहा है, जो बदमाश, जो मिनाजुल करान का कातिल जो धमकियां दे रहा है, सुन ले कि अगर हमारा मेहमान है इमरान खान, पिंडी जो है एक वफादार और खुशबूदार शहर है, अगर हमारे मेहमानों के साथ ज्यादती हुई तो फिर सियासी तौर पर आज ही आपका सियासी कब्रिस्तान बना रहे। 1:30 बजे मैं आपको रुख्सत करूंगा। और इमरान खान पिंडी का आज अवाम का समंदर होगा, आज रेफरेंडम होगा, आज अवाम फैसला करेंगे कि हमें चोरों डाकुओं लुटेरों बेईमानों बदमाशों की हुकूमत नहीं चाहिए। आज इंशाअल्लाह ताला दोबारा तारीख मुरतब कर रही है। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह के हवाले करता हूं। इंशाअल्लाह ताला वहां आपसे आपके मैं साथ हूंगा। और पिंडी ने आज साबित कर दिया है कि पिंडी सच के साथ है, हक के साथ है, ईमान के साथ है, इस्लाम के साथ है और इंशाअल्लाह तारीखी कामयाबी होगी। दुआ करें या अल्लाह हमारी मदद कर, हम कमजोर हैं। या अल्लाह हमें हर किस्म की साजिशों से महफूज रख और दुश्मनों को, मुल्क मुखालिफों को, करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों को हमारी इस मुल्क से निजात दिला। अल्लाह इमरान खान को कामयाबी अता कर और राशिद शफीक साहब सब और कभी सोहेब साहब, आसिम साहब, आसम मुगल साहब, जावेद बाग साहब, सबको मुबारक और अल्लाह के हवाले। सारे लोग पैदल अब मेरे साथ इंशाअल्लाह दादा बरासा